वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस, आज के इस वीडियो में हम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप बाय मिस्टेक HDFC बैंक में दो बार क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन आप दो बार सबमिट कर लेते हैं, तो आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा या फिर नहीं होगा, तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और साथ ही हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने अपना HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड दो बार अप्लाई कर लिया है, इसलिए उनकी एक एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन हो गई है। तो गाइस, आपको पूरा डिटेल के साथ में बताने वाला हूं, वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आए। तो गाइस, HDFC क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपके नेट बैंकिंग में क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूवेड ऑफर अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर आपके नेट बैंकिंग में ऑफर अवेलेबल नहीं है और आपके पास में इनकम प्रूफ है, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस, हमारे एक व्यूअर है, उनको प्रॉब्लम क्या हुई और ये प्रॉब्लम आपके साथ में भी हो सकती है। अगर बाय मिस्टेक आप दो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे तो आपकी जो भी दूसरी फाइल होगी, दूसरे एप्लीकेशन नंबर होंगे, वो डुप्लीकेट एप्लीकेशन हो जाएगी और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो डिक्लाइन कर लिया जाएगा। तो गाइस, आप वीडियो के साइड पे देख सकते हैं, आपको एक ईमेल का स्क्रीनशॉट मिलेगा। इस ईमेल में मेंशन है कि आई गॉट रिसीव प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड बट टुडे माय एप्लीकेशन स्टेटस डिक्लाइन। अब ये एप्लीकेशन स्टेटस डिक्लाइन क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि प्री अप्रूव्ड ऑफर इनको तब मिला जब इन्होंने पहले क्रेडिट कार्ड को वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर लिया था। लेकिन गाइस, वेबसाइट के थ्रू आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपके पास में इनकम प्रूफ होना जरूरी है। जैसे ही इनकम प्रूफ का जो इंटरफेस होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो इंटरफेस होता है, वो इंटरफेस आया तो इन्होंने इनसे आगे है वो प्रोसेस नहीं किया, यानी कि एप्लीकेशन को पूरी सबमिट नहीं की। तो गाइस, इनकी एप्लीकेशन तो सबमिट नहीं हुई, बट गाइस, जैसे ही इन्होंने वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया तो उसके कुछ टाइम बाद इनके नेट बैंकिंग में प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ गया। अब प्री अप्रूव्ड कार्ड का ऑफर आते ही इन्होंने प्री अप्रूव्ड जो ऑफर होता है उसके थ्रू, यानी कि नेट बैंकिंग के थ्रू क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लिया। जैसे ही गाइस ये क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो इनको बैंक की तरफ से एक ईमेल रिसीव होता है। वीडियो के साइड में आप देख सकते हैं, I got received pre-approved credit card but today my application status declined। यानी कि गाइस, दूसरी जो भी इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है वो डुप्लीकेट एप्लीकेशन बन गई और इनका जो एप्लीकेशन नंबर है वो डिक्लाइन हो गया। बट गाइस, डिक्लाइन होने के कुछ टाइम बाद जब इन्होंने क्रेडिट कार्ड का स्टेटस चेक किया, आप वीडियो के साइड में स्टेटस को देखते जाइए, तो यहां पर उनका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन शो कर रहा है। आप एप्लीकेशन नंबर भी देख सकते हैं, पूरा एप्लीकेशन नंबर आपको सिक्योरिटीज पर्पस से नहीं बता सकते, बट गाइस, आप एप्लीकेशन नंबर देख लीजिए, नीचे की साइड में आपको डिक्लाइन शो कर रहा है। बट वही अगर मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट बताऊं तो इन प्रोसेस में क्रेडिट कार्ड बता रहा है। तो गाइस, बाय मिस्टेक अगर आप क्रेडिट कार्ड को दो बार अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका कुछ टाइम क्रेडिट कार्ड है वो एप्लीकेशन डिक्लाइन शो करे, और कुछ टाइम के बाद जब ऑटो सेटल्ड हो जाए तो आपका कार्ड इन प्रोसेस में भी आ सकता है। इनके साथ में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि पहले इन्होंने जब क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बाद जस्ट इन्होंने प्री अप्रूव्ड ऑफर के थ्रू भी अप्लाई किया तो उनका जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड था वो डिक्लाइन हो गया। लेकिन डिक्लाइन होने के बाद में अभी इन प्रोसेस में बता रहा है। तो गाइस, अब जो इन प्रोसेस में क्रेडिट कार्ड बता रहा है, ये अप्रूव्ड होने के चांसेस यहां पर 95% है, 5% यहां पर आपका क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन 95% श्योर करता हूं कि आज के टाइम में ये क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव्ड का ईमेल इनको मिल जाएगा, और आपको पता है जब अप्रूव हो जाता है कार्ड तो विदिन 7 to 10 days में आपका क्रेडिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर बैंक की तरफ से सेंड कर लिया जाता है। तो गाइस, इस वीडियो के थ्रू आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली,
तो अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर हैं और क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूवेड बेस पर लेना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो आप सबमिट करते हैं तो उसका रेस्पॉन्स आने तक आपको दूसरी कोई भी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है, फिर चाहे आपको प्री अप्रूवेड लिमिट ही क्यों नहीं अपने नेट बैंकिंग में शो करती हो, आपको वहां पर रेस्पॉन्स आने तक वेट करना है। रेस्पॉन्स आए अगर आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर डिक्लाइन हो जाता है तो आप एक बार प्री अप्रूवेड ऑफर वाला भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन गाइस गारंटेड है अगर आपके नेट बैंकिंग में प्री अप्रूवेड ऑफर है तो फिर आप डायरेक्टली अगर वेबसाइट के थ्रू या फिर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो भी आपका क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव ही होगा। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए।